मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर विपक्ष ने फिर चुनाव कराने की मांग। अमोल कीर्तिकर का रविंद्र वाइकर पर मोबाइल के जरिए ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने रविंद्र वाइकर के साला पर दर्ज किया केस। विपक्षी आरोप को रिटर्निंग ऑफिसर ने किया खारिज। का मोबाइल से ईवीएम मशीन नहीं हो सकता है। बैलेट पेपर की मतगणना में उत्तर पश्चिम से रविंद्र वाइकर 48 वोट से जीते। मुंबई के मेरा रोड में स्थित जेपी नॉर्थ सोसाइटी में बवाल बिल्डिंग में बकरी लेकर आ रहे मुस्लिम परिवार का बजरंग दल ने बनाया वीडियो, जमकर हुआ हंगामा। ईद को लेकर अलर्ट पर मीरा भयंदर की पुलिस माहौल खराब करने वाले वीडियो और मैसेज शेयर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। ईवीएम पर रिटर्निंग ऑफिसर के सफाई के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। उत्तर मुंबई पश्चिम सीट को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा। एगी उद्धव की शिवसेना। मुंबई समेत आसपास इलाकों में अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ हो सकती है भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। ईवीएम खत्म करने की बात कहकर इलन मस्क ने छेड़ दी नई बहस। राहुल गांधी ने किया समर्थन। कहा भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स। ईवीएम को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा शिंदे ग्रुप के लोगों के पास है ईवीएम अनलॉक। पश्चिम सेंट्रल रेलवे ने बिना टिकट सफर कर रत्र से वसूला करोड़ों रुपए का जुर्माना। 61 दिनों में 9 लाख से ज्यादा पर हुई कार्रवाई। ईवीएम का अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है, अफवाह फैलाई जा रही है। चुनाव आयोग का आया बयान। मुंबई में लहराएगा भगवा बीएमसी। चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। नवी मुंबई में कुर्बानी के बकरे पर लिखा राम नाम। हिंदू संगठनों का थाने के बाहर जमकर हंगामा। मटन शॉप मालिक हिरासत में लिया। नागपुर के डाबो रेस्टोरेंट और गैर कानूनी तरीके से परोसे जा रही शराब। एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा। 17 पर मामला हुआ दर्ज। मुंबई में 6 प्रॉपर्टी टैक्स बकायेबारों की बने लिस्ट। संपत्ति नीलामी करेगी बीएमसी। मुंबई के मलाड में आइसक्रीम के अंदर मिला था कटा अंगूठा। एफएसएसआई ने छापा मारकर रोका। पुणे में फन डेयरी का प्रोडक्शन। शरद पवार उद्धव ठाकरे ने बंद किए बागियों के लिए दरवाजे। कहा आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा महाविकास अघड़ी। मुंबई में 80 लाख में बिका विदेशिया का बकरा। डाइट में दिया जाता था मक्खन दूध और खजूर। पुणे में युवती का जानलेवा स्टंट करती हुई नजर आई। रील बनाने के लिए हाथ छोड़कर बाइक चलाए भड़के लोग। कार्रवाई की उठी मांग। मुंबई के मुमरा में अजीबोगरीब मामला। गरम समोसा मांगने पर दुकानदार ने ग्राहक पर धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस में मामला हुआ दर्ज। धारावी के जमीन महाराष्ट्र सरकार के विभागों को होगी हस्तांतरित। अदानी समूह सिर्फ पुनर्विकास करेगा। पंकजा मुंडे की हार से दुखी एक और समर्थक ने की आत्महत्या। मृतक के परिजन से मुलाकात की, लोगों से की अपील आत्महत्या बंद करो वरना राजनीति छोड़ दूंगी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में नया खुलासा। मुंबई पुलिस ने बूंदी से एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुआ खुदाई के दौरान जलटन ब्लास्ट में 3 श्रमिकों की हुई मौत, 2 अन्य घायल हुए। मुंबई में आज सोने के दामों में कोई बदलाव नहीं। सोना 66,500 तोला। सोलापुर धुले हाईवे पर भयानक हादसा। ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से पलटी कार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल।